नमस्कार, हाजिर सचिन दीक्षित एक बार फिर से आपके सामने। आज मेरे साथ फिर से उपस्थित वही महिला है जो हमेशा अपने बेबाक शब्दों के लिए जानी जाती हैं, वाक्यों के लिए जानी जाती हैं। नाम है नेहा दुबे। अधिवक्ता नेहा दुबे से सीधे मुलाकात करते हैं, इस चुनावी मुलाकात में बातचीत करते हैं कि अब तक उनके विचार क्या हैं, आगे का प्लान क्या है, और एक सबसे बड़ी बात जो शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर भी हम बात करेंगे नेहा दुबे से। जी नमस्कार नेहा जी। सबसे पहला सवाल, प्रदीप शर्मा को भाजपा शिवसेना की युति का प्रत्याशी माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि अधिकृत रूप से संभावित निश्चित रूप से यही प्रत्याशी होंगे। आपके घर आए, मुलाकात हुई, आपने उनको आश्वासन भी दिया होगा कि जीत निश्चित है। क्या लगता है, प्रदीप शर्मा जायज उम्मीदवार हैं? 100% प्रदीप शर्मा जी जीत के आ रहे हैं। और ये जो 30 साल का जो एक अष्ट भ्रष्ट सरकार का जो यहाँ पे राज चला है, उनका विनाश होना है, उनका सर्वनाश होना है, और वो पार्टी ख़त्म होके अब एक नया आगाज़ होगा, एक नया सूर्योदय होगा, और जो प्रदीप शर्मा जी के रूप से यहाँ पर नालासोपारा विधानसभा में होगा। और 100% मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहती हूँ कि 132 नालासोपारा विधानसभा में प्रदीप शर्मा जी जीत के आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप तो कह रहे हैं जायज उम्मीदवार हैं, जीत के आ रहे हैं, नया बनेगा नालासोपारा, लेकिन शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेन ठाकुर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा उन्होंने गैंगों के कहने पर एनकाउंटर किए, सोते हुए व्यक्ति को उठाना, छाती पे गोली मारना, हाथ पे हथकड़ी लगाना कहाँ से मर्दानगी है। उन्होंने कहा कि 1, 2, 3, 56 अब तक 56 ये सब एक एनकाउंटर नहीं और मर्दानगी नहीं है सारी। उन्होंने पीएस फाउंडेशन पर आरोप लगाया, उनके कार्यकाल पर आरोप लगाया। इस तरह के गंभीर आरोप लगने वाले व्यक्ति को आप जायज कह रहे? कितने बेशरम आदमी है ये, उनको शर्म भी नहीं आता ऐसा बोलने को। मतलब कहावत बराबर फिट बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब उनको अक्ल है, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी लायकियत है बोलने की उस आदमी को? जिस आदमी ने ईमानदारी से पूरा अपना कार्यकाल निभाया, पूरा अपना पुलिस का ड्यूटी निभाया, उसके ऊपर उंगली दिखा रहे, शर्म आती है। आज भी उनके ऊपर, मतलब उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही फालतू हितेंद्र ठाकुर ने जो दारू पी के पूरा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है, मैंने हमारा कोई खून कटला कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रेस के माध्यम से बोला। हालांकि बहुत सारी जो बिकाऊ मीडिया है लोगों की, उन्होंने इस चीज़ को बाहर नहीं निकाला। उनको निकालना चाहिए था, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो उन्हें बाहर आना चाहिए था, वो नहीं आया बिकी हुई मीडिया के वजह से। लेकिन जहाँ से भी जो एक आधा क्लिप जो लीक हो गई, जो बाहर आ गई, उसमें हितेंद्र ठाकुर ने बोला हम पर तो कुछ नहीं है। हालांकि हितेंद्र ठाकुर के ऊपर खुद 8 से 9 मर्डर केस अभी भी है, 302 का गुना उनके ऊपर दाखिल है। स्पष्ट कर दीजिए कौन से आरोप। देखिए, मेरा जन्म 83 का है, और हितेंद्र ठाकुर के ऊपर पहला FIR जो हुआ है वो 78 में हुआ है, 1978 में हुआ है, और वो भी विरार किस हत्या, किसके हत्या, मर्डर केस के अंदर हुआ है। और उनका जो FIR क्रमांक है वो 394/1978 विरार पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर हुआ है 78 में। तो आपका और मेरा तो उम्र भी, आप तो मेरे से उम्र में छोटे होंगे, मेरा तो फिर भी 83 का बर्थ है, आप तो उससे भी छोटे होंगे, तो आपका मेरा जन्म भी नहीं हो, उसके पहले से आरोपी है, और वो ऐसे वैसे आरोपी नहीं है। तो उनके ऊपर 302 का FIR गुना हुआ है उनके ऊपर, और आज भी 8 से 9 मर्डर केस है। वडराई मर्डर कांड क्या सब भूल गए क्या, इतना बड़ा मर्डर कांड हुआ, कितने लोगों को एक साथ मारा गया और किस तरह से मारा गया, प्रेग्नेंट औरतों का पेट फाड़ के उसमें से बच्चा निकाला गया था। मतलब ये तो मैं आपको 7, 8 से 9 जो मर्डर केस है वो बता रही हूँ, स्मगलिंग के, डकैती के, इसके उसके, रेप, बलात्कार, बाकी सब अलग, और ये जो 8 से 9 जो मर्डर केस है ये लोगों के अंदर, जो थोड़ी मोड़े लोग थे जिनके अंदर हिम्मत थी जाके FIR करने की, और जिनका FIR हुआ क्योंकि पूरी सत्ता इनके हाथ में थी, तो किसी कोई पुलिस भी इनका FIR नहीं लेती थी इनके अगेंस्ट में, तो जिसने ताकत लगा के FIR कर दी, ये ऐसे 8 से 9 लोगों के FIR का बात कर रही हूँ मैं। बाकी जो गए पुलिस स्टेशन में FIR नहीं हुआ वो अलग, और जो कई लोग तो डर के मारे गए ही नहीं क्योंकि उनका खानदान खत्म होने का टेंशन था। सब छोड़ो, एक परिवार है यहाँ पे, उन्हीं के फैमिली के लोग उसके अंदर, आज भी नगर सेवा के 7-8 लोगों का मर्डर हुआ है उनके फैमिली में, है फैमिली वाले साथ में ही है, वो लोग साथ में ही घूमते हैं, उन्हीं के पार्टी से नगर से होके उनके लोग। तो मुझे किसी पे यार नहीं कर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उस बुड्ढे को इतना अक्कल नहीं है, इतना शर्म नहीं है, बेशरम के जैसा बोल रहा है एक आदमी जिसने पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी ड्यूटी, अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए, अपने इस पुलिस सर्विस के लिए उसने दे दी, उसके ऊपर तुम आरोप लगा रहे।
औकात दी है उसके बारे में बात करने का? अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप और चुनाव ये सब चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक जनप्रतिनिधि है, वो क्या लगता है वो फिर से चुनाव के मैदान में है और चुनाव का अखाड़ा सामने है, इस बार फिर से जीत उनकी होगी? उन्होंने कहा कि विजय निश्चित है, डर किसी का नहीं। डर उनका है ना, आम जनता को उनका डर है, उनको किसका डर है? उनको तो मालूम है वो लोग भ्रष्ट लोग हैं, उनको मालूम है वो लोग दहशत क्रिएट करते हैं, और उनको पता है वो दहशत करके वो कैसे भी कोशिश करके जीतेंगे। कैसा है इस बार जो है उनके गले की हड्डी बन गए प्रदीप शर्मा, उनको मालूम है 101% नालासोपारा विधानसभा वो लोग हार रहे हैं, इसीलिए वो लोग वसई विधानसभा में इतना मेहनत नहीं कर रहे, बोईसर में इतना मेहनत नहीं कर रहे। उनको पता है नालासोपारा तो हमारे हाथ से जा रहा है, और उनको पता है नालासोपारा जाने वाला, इसलिए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवाय प्रदीप शर्मा के नाम माला के अलावा उन्होंने और क्या बोला? बहुत बोलते हैं कि विकास के नाम पे बात करो, शर्म आता है? 30 साल में तुमने क्या किया? और तुम बोलते हो कि अगले बारिश में तुमको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। हर इलेक्शन में तो पानी भरा हुआ रहता है, हर इलेक्शन में पानी भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है? आप ही के चैनल के माध्यम से उन्होंने क्या बोला, जो आपने इंटरव्यू लिया 14 मिनट का 15 मिनट का, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला कि अगले आने वाले बारिश में लोगों के घरों में पानी नहीं मिलेगा? अरे शर्म आता है 30 साल से तुम्हें, और तुम बोलते हो इतना हाई टाइड था, इतना पानी का वेव था, समुद्र का लहरे था, कड़म बीच में पानी भरा था क्या? कलम गाँव में पानी भरा था क्या? राजौड़ी के यहाँ पे पानी भरा था? शर्म आता है बोलने को? उन्होंने कहा कि ये जो आरोप हैं ये चुनाव के दरमियान होते हैं, डर दाऊद दहशत, उसके बाद सब खत्म, सब मीडिया शांत और आप लोग भी शांत। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ चुनाव के दौरान होता है, बराबर हर तारीख पे कोर्ट में आते हैं ना, वो हर तारीख पे कोर्ट पे आते हैं ना, हर महीने यही लोग, पूरा खानदान इनका सब तो वही है, चोर चोर मौसेर भाई बहन सब लोग वही है, दोनों भाई लोग, चाहे भाई ठाकुर हो, हितेंद्र ठाकुर हो, दीपक ठाकुर हो, जो भी हो, सब लोग कोर्ट में हर तारीख पे जाते हैं ना, तब उनको दिखता है ना उनकी दहशत कोर्ट में कैसी है। यहाँ शेर बन के वसई तालुका में घूमने को उतर, जब कोर्ट में खड़े रहते हैं ना तो ऐसे खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो आरोपी है, वो चोर है। जब जाते हैं ना मंत्रालय में तब ऐसे खड़े रहते हैं, और जब मंत्री लोग उनका इज्जत उतारते हैं ना बराबर, उनका औकात दिखाते हैं उनको, तब उनको समझता है कैसा है वो। यहाँ पे शेर बने और उनका बाप कोई यहाँ पे आया है प्रदीप शर्मा के रूप में, क्योंकि प्रदीप शर्मा जो जिसने दाऊद को नाकों तले चने चबवा दिया, वो थोड़ी ना इनको अभी छोड़ेगा, और उनको मालूम है चीरफाड़ करने वाला है वो पूरा। एक बार इनके हाथ से सत्ता गई तो जो हाल इनका मंत्रालय या कोर्ट में होता है वही हाल उनका वसई तालुका में होगा, ये बात उनको पता है कि जो शेर जैसा घूमते अब ऐसे गीदड़ के जैसा बैठना पड़ेगा और ऐसे चुप के चोर जैसा बैठना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं हो, इसीलिए वो लोग इस बार तो इलेक्शन में अपनी सारी ताकत लगा देंगे। आखिरी सवाल, चुनाव में विकास मुद्दा होगा या इसी तरह के दाऊद डर दहशत? चुनाव में दोनों मुद्दा होगा। सबसे पहले दहशत, लोगों को समझाया जाएगा कि अब दहशत कुछ नहीं है, दहशत ख़त्म होने वाली है इनकी और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, और उससे इम्पॉर्टेंट जो हमारा बहुत जल्दी ही हमारा एक ब्लूप्रिंट आने वाला है विकास का, और जो प्रदीप शर्मा साहब खुद रिलीज़ करेंगे, और वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने 132 नालासोपारा विधानसभा का वो चाहते हैं विकास हो और किस तरह से वो विकास जाए। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ कहूँगी कि जो ही कि बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि शिवसेना वाले जो है उत्तर भारतीयों को मारते हैं, ये राजीव पाटिल जी ने बोला था, मेरे इंटरव्यू बोला था उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीयों पर वार करने वाली शिवसेना, गुजरातियों पर वार करने वाली शिवसेना, मुस्लिम समुदाय पर वार करने वाली शिवसेना, आज यह चुनाव के दौरान वो उत्तर भारतीय को टिकट देकर उनसे वोट चाहना पाना चाहती है, इसलिए सब। तो क्या कहना नहीं कि आप ये शिवसेना पर ऐसा आरोप पहले भी लगाया और देखा भी गया? तो उन्होंने कहा, देखिए चाहे वो राजू पाटिल बोले, अज्जू पाटिल बोले, हितेंद्र ठाकुर बोले, भाई ठाकुर बोले, कोई भी बोले, मेरा सिंपल कहना ये है कि ये पहले वाली शिवसेना नहीं है, ये अभी वाली शिवसेना है, और शिवसेना किसी को मारती नहीं है, शिवसेना सभी लोगों का साथ लेके, सभी को साथ लेके विकास करने की धारणा लेके चल रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर शिवसेना के मन में ये मराठी भैया वॉर होता तो एक उत्तर भारतीय को प्रदीप शर्मा को टिकट नहीं देते, उन्होंने उत्तर भारतीय को टिकट दिया, ये खुद ही बताता है कि उनके दिल में उत्तर भारतीयों के लिए या हिंदी भाषियों के लिए क्या सम्मान है। उन्होंने कहा कि एक रिक्शा वाला दलित समुदाय का व्यक्ति उसको महापौर बनाते हैं, साउथ इंडियन उसको महापौर बनाते हैं, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नगराध्यक्ष बनाते हैं, वो उनका कहना है कि हम तो सभी जाति के व्यक्ति को सम्मान देते हैं, तो हम तो सबके साथ हैं।
एक मिनट, अभी उस टॉपिक पे जो आप सम्मान वाला बात कर रहे हो बाद में आती हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा आपने उत्तर पूरा नहीं सुना। तो मुझे ये कहना है कि शिवसेना ने एक हिंदी भाषी को दिया, एक सम्मान दिया, हिंदी भाषी को टिकट दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर इनमें इनको भी बहुत ज्यादा सम्मान देना है तो देना किसी हिंदी भाषी को टिकट, दे नाला सुपारा विधानसभा से, क्यों घर में टिकट रखे, किसी और को भी टिकट दे, किसी और को भी चांस दे। है रूपेश भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो रूपेश को भी चांस दे, अच्छा है, वो तो जीत के भी आएंगे और इजी हो जाएगी उनके लिए लड़ाई, तो किसी और को भी चांस दे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट कि अगर वो बोलते हैं कि शिवसेना ने मारा, तो शिवसेना ने अभी तक तो किसी को मारा नहीं, आप लोगों ने तो मर्डर किया है, और कितने उत्तर भारतीयों का मर्डर किया, चाहे वो गुड्डू वर्मा हो, चाहे वो मकवाना हो, मकवाना तो बाप बेटे दोनों का मर्डर हो गया, संतोष सिंह हो, नवलीन कुमार, इतनी अच्छी सोशल वर्कर थी, कितना वो आदिवासियों के लिए करती थी, नवलीन कुमार मैडम उनका मर्डर हो गया, अवधेश सिंह हो, नरेश चौरसिया हो, सुरेश दुबे जी मेरे पिताजी, उनका मर्डर कर दिया, और बहुत बोलते हैं दलित नेता की बात करते हैं, प्रवीण दुबे का मर्डर करते हुए कहाँ था इन लोगों का दिमाग। प्रवीण दुबे जिस तरह से दलित नेता के रूप में, आरपीआई के लीडर के रूप में जिस तरह से वो फ्लरिश कर रहे थे यहाँ पे, अगर प्रवीण दुबे जिंदा होते 2004 का इलेक्शन जीत चुके होते, 2009 में उनको खड़े ही नहीं होते, ठाकुर परिवार सुपड़ा साहब हो जाती, इतना उनका फैन फॉलोइंग था प्रवीण दुबे को, और इतना वो लोगों के लिए काम कर रहे थे। उनका मर्डर क्यों हुआ, इसीलिए हुआ ताकि वो इलेक्शन लड़े नहीं और जीते नहीं, ओपन रूप ओपन तरीके से प्रवीण दुबे ने बोल दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ विधानसभा का। जब भी उनका न्यूज़ आया प्रेस में, उसके तीसरे चौथे दिन उनका मर्डर हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनको यह नाला सुपारा सीट से छेड़खानी नहीं करनी है, उनको कैसे भी अपना जो है एमएलए रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जो भी आपको ये जो हितेंद्र ठाकुर के अगेंस्ट में 8 से 9 FIR है, जो 302 का मर्डर का FIR है, मैंने FIR नहीं किया है ना, FIR करने वाली मैं तो नहीं हूँ, XYZ किन्हीं ने किया है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट वडराय मर्डर केस, ये मर्डर केस कोई भूल नहीं सकता है, ये ऐतिहासिक एक बहुत बहुत दुर्दैव घटना है, एक बहुत ही दिल कपा देने वाली घटना है। मतलब कैसे लोगों को, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसे कैसे लोगों को कहाँ कौन सी जगह पे शॉक दे के उनको मारा गया है, इस तरह से उनको मर्डर किया गया। उनका FIR करने वाला दशरथ किशन कोटकर, उन्होंने FIR किया है, मैंने नहीं FIR किया है। FIR करने वाले वो लोग हैं, आप लोग निकालिए इतिहास। मैं तो चाहूंगी कि आप आपके चैनल के माध्यम से एक पूरा वडराय केस के ऊपर आप एक पूरा बाइट बनाइए और पूरा लोगों तक ये पहुंचाइए कि हकीकत क्या है, किस तरह का दहशत का माहौल इन्होंने क्रिएट किया था। हकीकत पर जाएंगे, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपका कहना सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप शर्मा पर सवाल उठाए उसका पलटवार यह है कि वो खुद भी आरोपी है, यहाँ पे कहने का मतलब यही है सर? सबसे बड़ी बात, वो लायक नहीं है पलटवार के, उनको पलटवार मुझे देना नहीं है, जिसकी खुद की लायकियत नहीं है इतने बड़े आदमी प्रदीप शर्मा जैसे आदमी के बारे में बोलने का। कहाँ प्रदीप शर्मा, कहाँ वो, सिंपल मैंने आपको दोहे में कह दिया, छंद में कह दिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये साले चोर लोग कोतवाल को बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। लगभग सारी बातें हुई, इन बातों में एक बात तो साफ है, जिस प्रकार से बेबाकी से उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए, उससे एक बात तो साफ है कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप अब गर्म हो चुका है। अब देखना यह है कि आगे चुनाव का रंग किस प्रकार से चढ़ता है, और इस प्रकार की बातें जो सामने आई हैं, डर दहशत और प्रामाणिकता के साथ जो हत्या के आरोप लगे हैं, उस पर क्या कहती है जनता और कहाँ जाता है वोट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।